तो आपको जो फर्स्ट ट्रिक्स है उसका फोन का जो है कैमरा का। सो अगर आप कोई सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कोई सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेल्फी कैमरा ओपन कर लिए, तो आपको क्या करना, कोई प्रेस नहीं करना पड़ेगा, पाम का साइन करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिक जो पिक्चर है वो ले जाएगा। मान लीजिए मैंने पाम साइन दिया, सो बोले रिटेक्ट होने के लिए, सो 5 सेकंड्स लेगा, सो उसको ऑटोमेटिक जो सिग्नेचर जो है मतलब इमेज ले लेगा, पिक्चर ले लेगा। उसके बाद अगर कोई अगर आपको पावर बटन प्रेस हो इडियल मोड पर, आपको कैमरा ऑन करना है, आपको कोई फ्लैस अनलॉकिंग बार या कुछ प्रेस नहीं करना पड़ेगा, जस्ट क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बटन को, वॉल्यूम डाउन बटन को 2 बार प्रेस करने से आपको जो कैमरा जो है ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो कैमरा अभी तक ऑन हो गया है। आप यह ऐसे बहुत अच्छी तरह से कैमरा ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इससे आपको क्या होगा, वह हर वक्त जो है टच स्क्रीन, उसका फिंगरप्रिंट और द फेस अनलॉकिंग जो है यूज़ करना नहीं पड़ेगा। सो ये वाला फीचर जो बहुत ही अच्छा है, दोनों फीचर्स आपको मुझको ये अच्छा लगा। दूसरा फीचर जो आता है, आपको सीरीज में अनलॉक जाएंगे तो बहुत सारा फीचर्स आपको जो आप अनलॉक कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए एप्स एंड परमिशंस में आप जो है दो व्हाट्सएप, दो सोशल एप्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक मेरे फ़ोन पर अभी तक फेसबुक है, मैसेंजर है, अगर आप मेरा क्लिक कर लेता हो जो दूसरा जो क्लोन एप्स है ओवर क्रिएट हो जाएगा, मैं एक ही फ़ोन पर दो फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट एंड मैसेंजर अकाउंट भी यूज़ कर पाऊँगा। जो मैंने ये ऑन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फेसबुक है ऑलरेडी एक क्लोनिंग एप्स है। सो ये वाला जो एप्स है वाला ओपन हो गया है। सो आप यहाँ से जो दो आपका सोशल साइट है आप वाला जो यूज़ कर सकते हैं, तो यह सब बहुत सारा फंक्शन ऐसे मिल जाएगा। एंड बैटरी नोटिफिकेशन स्टार्ट, आपको मान लीजिए बैटरी में जो मेरा जो परसेंट अभी दिखाई दे रहा है 51%, आप यह सब बंद कर सकते हैं डिस्प्ले क्लियर में। डिस्प्ले क्लियर का नेम जो है मेरा जो जियो का चल रहा है, अभी यह सब बंद भी कर सकते हैं, कौन सा सीन चल रहा है या पर नेम चल रहा है, आप यहाँ से स्टार्ट ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड आपको वाला भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, मैंने ऑन करके रखा था, मुझको डिस्प्ले जो नेटवर्क रियल टाइम नेटवर्क स्पीड जो मुझको यूज़ करना है आता है। एंड बैटरी परसेंटेज के अंदर में आपको बहुत सारा परसेंटेज का जो इंडिकेटर आता है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज में मुझको बैटरी के अंदर ही मिल जाता है, नेक्स्ट जो आइकॉन में अगर दिखाएंगे तो आपको ये 51% जो है बैटरी के साइड में दिखाई देगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको जो परसेंटेज जो है नहीं दिखाई देगा। लेकिन मुझको ये वाला जो अच्छा लगा, जो अगर बैटरी के परसेंटेज अगर बैटरी के अंदर में रहेगा तो ये वाला अब मुझको अच्छा लगता है, जैसे 51% मुझको मिला है। एंड पास नोटिफिकेशन लाइट, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन टर्न्स ऑन स्क्रीन, अभी आप ऑन करेंगे कोई भी नोटिफिकेशन आया तो आपको जो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक जो ऑन हो जाएगा, तो ये वाला फीचर जो मुझको बहुत ही अच्छा लगा। एंड दूसरे फीचर जो मुझको बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ द बैटरी। आप लोग यहाँ से बैटरी का जो पास है मोड जो ऑन कर सकते हैं, आप कितना घंटा यूज़ करने के बाद, कितना परसेंट आने के बाद आपको ये वाला करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए ऑप्टिमाइजेशन लेवल, सो आप लोग यहाँ से भी बैटरी को जो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए कितना आपको चाहिए बैटरी को आपको यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। एंड आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पर बैटरी का यूजेस हुआ है इतना ज़्यादा, आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे टारगेट ऐप, आप यहाँ से भी जो आपका जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं आप वो वाला ऐप जो है ऐसे बंद कर सकते हैं। ऐसे ये आपके ऊपर है, आप कितना यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, लॉन्च एंड समथिंग सो ऑन। एंड उसके बाद जो होता है डिस्प्ले में, अगर आपको डिस्प्ले में यूज़ करेंगे, कलर मोड जो आता है, जैसे आप यहाँ से डिफॉल्ट कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, कोल्ड कर सकते हैं, तो जैसे अच्छा लगे, जो डिफॉल्ट ही अच्छा लगता तो मैंने डिफॉल्ट कर लिया। सो ये आपके हिसाब से आप कौन सा करना चाहिए, जैसे आई कॉम्फोर्ट, आप मान लीजिए बहुत सारा फोन यूज़ करते हैं आफ्टर द इवनिंग, सो आपको जो आई कॉम्फोर्ट जो ऑन करेंगे, जो वाला जो ब्लू कार्ड का जो रेडिएशन होता है ओवर कट हो जाएगा। एंड शेड्यूल कर सकते हैं आप लोग कितना टाइम के बाद एवल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, सो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड होम स्क्रीन स्टाइल, आप जैसे होम स्क्रीन स्टाइल जो है आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कैसा कैसा आपको चाहिए स्क्रीन में, ड्रॉयर में आपको ऐसा लुक चाहिए, ऐसा लुक चाहिए, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड वॉलपेपर, आपको जो ऑटोमेटिकली रैंडमली मैं जो क्लिक करके रखा था, रैंडमली मैंने जो वॉलपेपर वो चेंज होते जाएगा यहाँ पर जो है से। सो ओके, जब भी मैं ऑन ऑफ करूँगा वॉलपेपर जो है चेंज होते जाएगा, मैं जब भी ऑन ऑफ करूँगा इसका भी वॉलपेपर जो है चेंज होते जाएगा। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो इसके अंदर मुझे मिलता है, आपको रियलमी के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलता। सो आप लोग देख सकते हैं, सो सेटिंग्स में चला जाता है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले में
अभी आप यहाँ से वॉलपेपर जो है ऑटोमेटिक जो चेंज होएगा, एल्बम को डिस्प्ले भी देख सकते हैं आप कितना वॉलपेपर जो इंटरवल चेंज हो सकते हैं वॉलपेपर एवरी 5 मिनट्स लाइक दिस वन। सो चेंज एवरी 5 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, 30 मिनट्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 5 मिनट्स करके रखा है। सो फुल स्क्रीन डिस्प्ले अब अगर आप लोग ऑन करेंगे, बहुत सारे ऐप जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो है सपोर्ट नहीं करेगा, इसके लिए वाला जो डिस्प्ले जो होगा फुल स्क्रीन काम नहीं करेगा, लेकिन अभी तो फुल स्क्रीन है वो काम कर रहा है। सो नॉच डिस्प्ले आप यहाँ से बर्न भी कर सकते हैं, जैसे मुझको डिफॉल्ट जो नॉच डिस्प्ले अभी आया है अवेलेबल नहीं करेंगे, सो पोर्टल वाला जो नॉच जो डिस्प्ले है बंद हो गया, लेकिन नॉच डिस्प्ले उसको अच्छा लगता है जैसे एप्पल का फोन की तरह होता है। आप यहाँ से टेक्स्ट साइज व्यू मोड्स भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो कौन सा कितना बड़ा फंक्शंस चाहिए, कहाँ से करना चाहिए लार्ज या समथिंग, डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट अच्छा लगता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको स्मार्ट भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, आपको 720p डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे चार्ज मान लीजिए बहुत कम है आप लोग यहाँ से जो फुल एच डिस्प्ले जो है बंद करके रख सकते हैं, लेकिन मुझको फुल एच डी बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होता। एंड यहाँ से आपको जो बहुत सारा फीचर जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड उसके बाद आता है स्टोरेज में, आपको जो है नॉर्मल स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन साउंड में आपको मिल जाएगा, तो देख सकते यहाँ पर जो बहुत सारा साउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद जो आता है सिक्योरिटी में, एंड आपको यहाँ से बहुत सारे सिक्योरिटी ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, स्क्रीन लॉक प्लस पासवर्ड, प्रोडक्ट जो होता है लेस जो है, आपको मान लीजिए कोई इमेज आपने लिया है या वीडियोस लिए जो प्राइवेट रखना चाहते हैं आप लोग, जैसे नॉर्मली जो है वहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर प्राइवेट स्पेस में चला जाएगा, पासवर्ड दे देंगे तो उसके हिसाब से आप कोई भी दूसरा जो होगा वो यूज़ नहीं कर नहीं पाएगा। आप यहाँ से ऐप लॉक भी कर सकते हैं, आपको जो है पासवर्ड दिया आएंगे, मान लीजिए मैंने 1234 पासवर्ड दिया है 1234 उसे फादर्स एंड समथिंग, जो आपको जो यहाँ से जो है आप यूज़ कर पाएंगे। ऐप लॉक फाइल सेफ, आप यहाँ से फाइल भी सेव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंटरनल करना पड़ेगा जो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा फीचर्स जो दिया हुआ होता है। एंड उसके बाद आता है यूजर्स एंड कंट्रोल, जैसे नॉर्मल से आता है। एंड उसके बाद स्मार्ट असिस्टेंट, आपको यहाँ से वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना पड़ेगा एंड समथिंग सॉन आप यहाँ से कर सकते हैं लाइक दिस वन। सो ओके, एंड स्पीच वॉइस कॉन्ट्रास्ट एंड इनकमिंग कॉल्स, आप लोग अगर कोई भी कॉल्स आए आप या वॉइस से भी आपको कॉल रिसीव कर सकते हैं। सो इसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है फीचर्स जो आपको यहाँ से, बहुत सारा फीचर आपको जो वन बाई वन मिल जाएगा, एंड पावर बटन, इंस्टा कॉल, स्पीक पासवर्ड, लार्ज माउस पॉइंटर, बहुत सारा फीचर्स आपके जो यहाँ पर फ़ोन के अंदर मिल जाता है। एंड दूसरा फीचर जो आपको जो सिस्टम या समथिंग जो बैकअप रिसेट कॉन्सर्ट, आपको जो है राइट मोड पर आप चले गए, शायद आप मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे हैं तो आप ये पर अगर राइट मोड में करेंगे तो वाला जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अपने हिसाब से फ़ोन जो ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको फोन वाइब्रेट होने लगेगा, राइट ट्रैकिंग या फिर आंसरिंग मेथड, आपको जो आंसर बाई चॉइस अब आंसर बाई टेक्स्ट एंड डिक्लाइन ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स जो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। और मान लीजिए आपको पिक्स लिया है, आप यहाँ से बहुत सारे पिक्स जो आप एडिट कर सकते हैं, मान लीजिए मुझको फोटोज जो है मैंने एवल लिया है, सो आप लोग यहाँ से बहुत सारे फीचर्स जो आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे, स्प्लैश एंड समथिंग जू ऑन। सो बहुत सारा फीचर्स जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको मुझे इसके अगर मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं आता। सो अपो रियलमी की तरह इसमें जो फीचर्स जो बहुत सारा फीचर्स आपको दिया हुआ होता है। सो ये बोला था टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ दिस फोन, अगर आपको मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या फिर कोई पॉइंट ऐड करना आपको कमेंट सेक्शन पूछ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई लव टू ऐड दिस वन ऑल्सो इन द वीडियोस। So this is up to this video. If you like this video, please like the button. If you do not like this video, you can also dislike the video. Before dislike the video, please make sure I advise me which one I have to improve. So this is up to this video. Take care, bye bye. Catch you soon in my next session.